पापा मर ही जाते चार घंटे तक लगातार पापा को मारा है कि नहीं पापा। प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल सना व्लॉग्स। आप लोगों को तो पता ही हुआ कि मेरा घर टूटा फूटा है, तो बारिश की वजह से इन दिनों और भी ज्यादा घर टूट गया था। तो पापा ने मालिक से लेके आके घर को खड़ा किया है, ये देखिए। और खड़ा करने के बाद कल मैंने पापा को 10,000 रुपया दिया था ताकि ऊपर का जो टीना है वो थोड़ा सा अच्छा लगा पाए। दुकान के पैसों में से ही दिया था मैंने जोड़ जाड़ कर। और उसके बाद क्या हुआ, पापा ऐसे दोस्तों के साथ गए थे बाहर, वो 10,000 रुपया पापा के पॉकेट में ही था। कुछ लड़के पापा के पीछा कर रहे थे, पता नहीं उन लड़कों को कैसे पता चला कि पापा के पास 10,000 रुपया है। तो लोग पीछे पीछे आके पापा से 10,000 रुपया मांगने लगे और पापा को इतना मारा है कि पापा कुछ भी उन लोग को कर भी नहीं पाए। और कल रात को मम्मी पुलिस स्टेशन नहीं जा पाए, मैं भी नहीं जा पाई, क्योंकि अगर कल हम पापा को पुलिस स्टेशन लेके जाते तो पापा का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे जाने के बाद बहुत कुछ पूछताछ करते, पापा से भी पूछते और पापा उस हालत में नहीं थे, नाक से ब्लीडिंग जा रहे थे और पापा का आंख पूरा फूल चुका है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ऐसे ही मम्मी ने झूठ मूठ का कुछ भी बोल के हॉस्पिटल में दिखाया पापा को। ताकि पापा थोड़ा सा बेटर फील करे। ये करीब 3-4 बज गए हैं हॉस्पिटल में ही पापा का, अभी 5 बजे घर में पहुंचे हैं मम्मी। दिन में अभी हम लोग गए पुलिस स्टेशन, अभी तक पुलिस घर में नहीं आया, पता नहीं वो लोग क्या डिसीजन लेंगे पुलिस वाले। क्या पापा का हालत उन लोगों ने क्या किया आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए कितने लोगों ने मारा पापा आपको? 4 आदमी। 4 आदमी? हाँ। 10,000 रुपया भी लेके गए है कि नहीं? हाँ, छीन लिया, मार के पकड़ से निकाल के भाग गया, मार के गिरा दिया हम। आप तो एक, ये देखिए हमारा घर पूरा न्यूली ये सब खड़ा किया गया है। न्यू टीना के लिए ही मैंने 10,000 रुपया दिया था दुकान से जोड़ जाड़ के मैनेज करके, वही पापा लेके गए थे और वही छीन के चले गए। घटना कहाँ पे हुआ था? जोरहाट पे हुआ था है कि नहीं? गीतापुर मुरियानी का जंक्शन जाते रास्ता में। मैं आ गई हूँ दुकान में और पापा का ये बुखार होने के बाद भी दुकान चलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा उदासी मन हो, सेल ही नहीं होता है, पता नहीं क्या करूँ, अभी इतना डाउन चल रहा है ना, वीडियो में भी व्यूज नहीं आता है, सेल भी नहीं होता है। मैंने सोचा था कि न्यू ठेला बनने के बाद सेल होगा, बट न्यू ठेला बनने के बाद भी सेल नहीं हो रहेगा। पापा का जो केस हुआ था अभी शाम होने को आ गया है, अभी तक पुलिस वाले भी नहीं आए हैं, पता नहीं क्यों। मेरा हालत ऐसा चल रहा है कि अभी मुझे फिर से दूसरे के घर में काम करना पड़ेगा। खाना बनाना है, हम सुबह चला जाता है 9 बजे, 2 बजे चला जाता है। आप लोग सोच रहे हैं मेकअप वेकअप करके आई है, इतना अच्छा कपड़ा पहन के आई है, क्या दुकान में सेल है, उसके लिए अच्छे से कर रेडी होकर आई। अंदर में कितना ज्यादा दुख है वो मैं जानती हूँ, ये सब अपने मत चाहिए गाइस। कैसा था दुकान में? बिक्री सिक्री नहीं है, मन खराब है। पापा का दवाई, पापा यहाँ पे देखिए, वीडियो पापा ऐसे लेटे हुए हैं। हाँ तो हमारा ही दवा है। एंड पुलिस में जब लोगों ने रिपोर्ट डलवाया फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी तक। और यहाँ पे सिलाई भी पड़ा है ना, दो तीन जगह में सिलाई भी पड़ा है पापा का, ठिकाना है। कल परसों मेरे भी साथ ऐसा कर सकते हैं। तो बस प्लीज अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज शेयर कीजिए ताकि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। पास से दिखाओ मम्मी। मर ही जाते 4 घंटे तक लगातार पापा को मारा है कि नहीं पापा? हाँ। फोन में लटपट होके रखे थे पापा, यहाँ पे फोटो में दे दूंगी आप लोग को। एक्सरे ये देखिए, ये रहा ब्रेन का एक्सरे, क्योंकि उन लोगों ने पापा का जो सर है ना वो ऐसे सेटर में ऐसे ढकेल ढकेल के पापा को मारा है सेटर में, ये ब्रेन का भी एक्सरे किया था। एंड ये रहा ये हार्ट का, पापा के छाती में भी उन लोगों ने घुसा मारा है कि नहीं पापा? हाँ। और ये किसका है? सिटी स्कैन। और ये देखिए ये सर का सिटी स्कैन, और ये भी सर का है कि नहीं? ये देखिए घर, मम्मी पापा मेरा भाई घर नहीं आए हैं, रात भर हॉस्पिटल में ही काटे हैं, और अभी जाके घर में है क्योंकि ज्यादा इलाज करने के लिए भी पैसा नहीं है पापा का पास। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मैं दुकान में भी सेल नहीं है, वीडियो में भी ज्यादा व्यूज नहीं आते आजकल,
तो जितना हो सके मेरे से मैंने उतना पापा का ट्रीटमेंट करवाया है। पापा का आंख खोलने के बाद ही पता चलेगा कि ये आंख कैसा हो रखा है, अभी तक तो कुछ भी आइडिया नहीं है हमें। तो जितना हमसे हो पाया है उतना हमने चेकअप करवाया है। 10,000 रुपए जोर जाड़ के मैंने बहुत ही मेहनत से ये टीना लगवाने के लिए मम्मी को पैसा दिया था। और फिर अभी मेरा वीडियो भी अच्छा नहीं चल रहा है और फिर दुकान में भी सेल अच्छा नहीं है गाइस। भी सब आप लोग के हाथों में है, आप लोग क्या करो बस करो। एंड पापा को जल्दी जल्दी ठीक होना है। अभी मेरा भाई सागर दुकान बंद कर रहे हैं। ये देखिए कल का मेडिकल का कागज है, ये देख लीजिए 4 तारीख यहाँ पे लिखा है 44 ईयर्स है पापा का। और कल पैसा नहीं होने के कारण मम्मी ने हॉस्पिटल से पापा को फिर से लेके आए थे और उसके बाद मैंने कहीं से भी जुगाड़ करके पापा के लिए पैसा भिजवाया और उसके बाद जाके ये सब रिपोर्ट आया और फिर दवाई थोड़ा मोड़ा खरीद पाए पापा। अभी भी बहुत सारा दवाई खरीदना है और कहीं पे चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं, बट हमारे पास इतना बजट नहीं है। अभी मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दुकान में भी ठीक ठाक सेल नहीं हो रहा है और वीडियो भी वायरल नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है गाइस। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि इलाज कर पाए हम लोग अपने पापा का, नहीं तो पापा का आंखों का सवाल है। एक बार आंख अगर खराब हो गया ना तो ये आंख फिर से वापस नहीं आएगा। पापा दर्द के मारे मतलब कुछ भी बोल भी नहीं पा रहे, एक दो शब्द ही पापा के मुंह से निकल रहा है। और अच्छा मेरे पास पैसा होता तो मैं पापा को ऐसे घर में नहीं कभी भी सुला के रखती, कोई डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को दिखाती पापा को, अच्छा अच्छा इलाज करवाती, बट पैसों के कारण ही आज पापा ऐसे घर में बैठे हुए हैं, चेकअप नहीं करवा पा रहे पापा के अच्छे से। पर मेरे से 100% मैं कर रही हूँ, दुकान में भी पूरा अच्छे से फोकस कर रही हूँ, वीडियो में भी जितना हो सके मेरे से। मैं तो कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे से जितना हो पाए मैं उतना ही वीडियो बनाती हूँ गाइस।